जैसी आराम उस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे माता पिता होते हैं। जब बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ होता है ना, तभी माता पिता जो है वो प्लान करने लग जाते हैं कि इस बड़ी सी स्कूल में हम हमारे बच्चे को भेजेंगे, वो यहाँ लिखेगा पढ़ेगा और बड़ा अधिकारी बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा। 2-2.5 साल की उम्र में बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है, पढ़ाई करने लगता है, वो बड़ा सारी चीजें, न्यूटन थ्योरी, लॉज, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो पढ़ लिख कर अच्छा डॉक्टर बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। तो इसमें क्या आपने एक चीज सोची, जो बच्चा है उसको अच्छा इंसान कैसे बनना है, वो कैसे सिखाया जाए? अगर बच्चा आपको एक दिन आपको या आपका बच्चा स्मोकिंग करते हुए दिख जाए, तो आप ये कहोगे कि मेरे संस्कारों में कमी कहाँ रह गई थी, क्या यही हमारे संस्कार है? तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगी कि क्या आपने उन्हें बताया था कि गलत चीज से, बुरी चीजों से दूर कैसे रहना है, अच्छी चीजों के पास कैसे अट्रैक्ट होना है, कैसे उनकी तरफ खींचे चले जाना है? क्या आपने ये चीज उन्हें बताई थी कि जो बुरी चीजें हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना होता? क्या आपने ये चीज बताई है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। अगर आपने बताई है तभी आपका बच्चा जो है वो अच्छा इंसान बन पाएगा। जय श्री राम।